हिमाचल वाले जब पहुंचेंगे और राइडर शामिल हुए हैं जो आगे आगे अपनी बुलेट पे सवार हैं। से पुलों में आज ट्रेवल किया राइट। ओए होए होए होए। यहाँ तो बोर्ड भी नहीं लिखे हुए हैं। श्रीनगर में है। श्रीनगर कौन सा नगर? मातली है। मातली मातली हाँ मातली का कौन है यार? मातली का है कोई? मातली का यार सब कुछ सही है, मौसम भी सही है, पैटर्न है। ठहरे तो मेरे वीर, कंस्ट्रक्शन वर्क का ना दृश्य न जाने किस लोकेशन का है। मुझे लग रहा है ये मनेरा है जो कि उत्तरकाशी में आता है। श्रीनगर का तो मुझे बताया पर उत्तरकाशी का क्या बोलते हैं उसका पता नहीं है। इतना बड़ा एरिया जंबा पे तो छोटा है भाई। उत्तरकाशी कितना दूर है? उत्तरकाशी यही है तो मार्केट आगे, उत्तरकाशी आगे है। ज्ञानसु और उससे आगे। और ये आपके सामने व्यू गजब का, सरसों के खेत बहुत बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। यही देखना बाकी था अभी तक। ये नदी क्या गंगा होगी मतलब जो भी है भागीरथी मेरे ख्याल से। बट यहाँ पे मौसम हो, यहाँ बोटिंग करने के लिए भी है रे झील में। आखिरकार मतलब उत्तरकाशी आए गए हमें आखिरकार। और ये हम गुजरेंगे टनल से, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इनसाइड द टनल। मार्केट यहाँ से माल रोड, यहाँ से भारतीय स्टेट बैंक। सब्जी मंडी काफी बड़ी है यहाँ की। चंबा घनसाली शामिल हो जाए, इतना बड़ा एरिया है उत्तरकाशी का। धरनी मंदिर है वो, कैलाश आश्रम टाइप का कुछ। और हम अभी प्रस्थान करेंगे उत्तरकाशी से चंबा की ओर। और आपके सामने दृश्य है उत्तरकाशी साइड है। और जब हम सुबह आए थे यहाँ पर उत्तरकाशी की ओर तो हम उस सामने वाली रोड से आए थे जो कि आपको दिखाई दे होगी। और अभी जब वापसी का टाइम था है तो हम एक शॉर्ट रूट मिलाया तो हम उससे नेट को गया इसका। अबे नेट को गया उसका, कोई बात नहीं चल छोड़। अभी यही कर रहा था आवाज़ छोड़, कोई बात नहीं नेट मिल जाएगा, इधर मिलेगा भी नहीं इधर। और ये जो हमारा रूट है चंबा के लिए इसमें सियासू पुल नाम का कोई पुल पड़ेगा, उसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद ही वहाँ से कुछ रास्ता क्लियर हो पाएगा कि हम चंबा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ पे। और
हमारी इस राइडिंग में एक और राइडर शामिल हुए हैं जो आगे आगे अपनी बुलेट पे सवार हैं, और टीवी उनकी टीवी खराब हो गई थी। ऐसा कर भाई है भाई। हाँ क्या नहीं सकता कुछ, अब बारिश की बूंदें भी पड़ गई है और हमारे कैमरा को खतरा हो सकता है पानी से, तो इस आज उत्तराखंड में 2-3 दिनों की बारिश के कारण थोड़ा सा मौसम ठंडा है, जिसके कारण लगता है कि ठंड बढ़ेगी, बर्फ पड़ेगी। पूरा 1 घंटा भी लगेगा है, 1 घंटा और लगेगा अभी, एक घंटा तो पूरा आराम से उसमें लग जाता है, 45 मिनट मिनिमम टाइम जब रोड तुमने देख रखी उस हिसाब से। बारे में कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है कि ये भूतिया इलाका लग रहा है, अगर आप आएंगे यहाँ पे हमसे कांटेक्ट जरूर करना, पर आने से पहले बेटा। और जिस प्रकार के पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कुछ अकाल पड़ा है। सारे पेड़ मतलब पता नहीं कैसे लोगों ने इस प्रकार की कटिंग करी हुई है। ग्राम उमराड़ा के नाम से है एक, तो देखा उनको हम थोड़ी देर पहले देख चुके थे। आजकल के नवयुवक और नवयुवतियां अभद्रता के साथ टिप्पणी नहीं करेंगे। कितना आपका डोबरा चांटी लाइट। ओ सुबीर भाई, इनको क्या बोलते हैं, गेहूं ना, इनको कहते हैं गेहूं, और गेहूं जो है कट चुका है। वाओ, लोग अपने घर एक नंबर ये है नीचे घुटने के लिए। अच्छा, यहाँ की जो है ये गांव है मुझे बहुत ही पसंद आया है। हाँ यार, ये बहुत चमकीले वैसे गांव है, मस्त वाले। चलो सुबीर भाई चलते इसको, तुम हमें लोकेशन का नाम पता नहीं है, परंतु काफी अच्छी लोकेशन है। हाँ, अगर जोशियाड़ा पर था कुछ याड़ा टाइप का, प्राचीन गजब देख रहे हैं आप, प्राचीन से देखिए, प्राचीन लोग रहे हैं यार, ये प्राचीन लोग क्या अभी। हाँ तो ये है हमारी एनएसकड़ी, और ये बहुत ही चल चुकी है आज, और ये ऊपर का टॉप व्यू हम इसके नीचे है क्योंकि बारिश बहुत ही तेज हो रही है, और ये बहुत ही अच्छी जगह पे हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितनी बढ़िया जगह। ओहो कोई बात नहीं ठंडा कुमकुम करेंगे, और ये कार वाला जाने का देगा तो दीक।
बारिश पूरा फोन भीग गया था। ऐसी भयंकर बारिश हो रही है ना, इतनी भयंकर।